बार तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुप्रिया जी, जिस तरह से आश्रम हमने देखी लोगों को बहुत पसंद आ रही है एंड हम लोग ट्रेंडिंग में है और अभी भी हम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जी। सो आप बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका मिला एंड माय मेन रीज़न ऑफ एसोसिएटिंग विद आश्रम वाज दैट कि मुझे प्रकाश सर के साथ काम करना था। ग्रोन अप वॉचिंग हिज मूवीज एंड जिस तरह से वो पॉलिटिकल और सोशियो एलिमेंट्स पे बात करते हैं और वो मुद्दे उठाते हैं वाइल बींग नॉन जजमेंटल एंड ऑल्सो वाइल बींग एंटरटेनिंग, वो उनकी बहुत ही बड़ी खासियत है। एंड आश्रम के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया है कि उन्होंने एक बहुत ही पोटेंट मुद्दे पे बात करी है जो पहले कभी शायद इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हमारे समाज में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई लोग अंधविश्वास में पड़ के परेशान होते हैं, अपने परिवार की भी खामी करते हैं, लेकिन उस पर कभी इस तरह से आई थिंक चर्चा नहीं हुई है सिनेमा में। सो ही इज़ येट अगेन टॉक्ड अबाउट समथिंग एक्सट्रीमली क्रूशियल और मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा सर से एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। जी जी, जैसा कि आपने अंधविश्वास की बात की जी, वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं हमारी सोसाइटी में तो ऐसे बहुत उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। आप हैं, बॉबी देओल जी हैं, त्रिदा चौधरी और भी कई सारे स्टार कास्ट है, तो कैसा रहा? और प्रकाश जी जो कि ये उनकी पहली वेब सीरीज है, फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जी हैं, वेब सीरीज की दुनिया में पहली, एंड कैसा रहा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रकाश सर, मुझे उनसे डर लगता था शुरू में बिकॉज मुझे हरदम से लगता था कि ही मस्ट हैव अ टेम्पर, बट ही वॉज सो चिल्ड आउट ऑन सेट। एंड जैसे आपने अभी कहा कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज वेंचरिंग इन टू वेब सीरीज़, तो उनके लिए दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग 5 फिल्म्स। और आश्रम एक बहुत ही बड़े स्केल पे बनी है, काफ़ी इंटेंस है, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारे कैरेक्टर्स एज यू सेड, एंड प्राइमरी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे ट्रैक्स चल रहे हैं एक साथ, तो भी सर की एनर्जी लेवल्स हरदम 200-500% होती थी। आई थिंक वो दिन में 4 घंटे ही सोते होंगे बिकॉज वो हमारे साथ 12 घंटे शूट करते थे, फिर ट्रैवलिंग, फिर एडिटिंग और राइटिंग पे भी बैठना, फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करवाना, बट ही वॉज ऑलवेज मोर एनर्जाइज एंड एक्साइटेड देन वी वर। एंड दिस इंटायर शूट मस्ट हैव कैरीड ऑन फॉर 5 मंथ्स, बट ये मैं कह सकती हूँ जो बहुत ही खास बात थी आश्रम के सेट की कि हर एक आदमी हरदम हैप्पी होता था उस सेट पे। लाइक थ्रू आउट द शूट एवरी वन वॉज कॉन्स्टेंटली हैप्पी। एंड अनदर ग्रेट थिंग अबाउट इट वॉज दैट जो भी कैरेक्टर्स हैं आश्रम के, जो भी एक्टर्स हैं, बहुत उमदा एक्टर्स हैं सबके सब, एंड उन किसी में भी कोई बनावटीपना, कोई कोई भी तरह का प्राइड या एक दूसरे से एक सेंस ऑफ डिस्पैरिटी, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑल ऑन द सेम पेज। काफ़ी सारे लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ड्यूरिंग आर आर सेशन। सो प्रकाश जी हैं एंड कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा उनकी पहली ये वेब सीरीज थी और जिस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ व्हाइल बीइंग एन एक्टर। सो जैसे आपने कहा सर की पहली वेब सीरीज़ है आश्रम, सच अ सीरीज़ जो बहुत ही बड़े स्केल पे बनाई गई है, बहुत डिटेल्ड है और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उनके जो ग्राफ्स हैं वो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग 5 फिल्म्स टुगेदर। एंड प्रकाश सर जबकि पहली बार ही वेब सीरीज़ में वेंचर कर रहे थे, हिज एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट इट मस्ट बी अराउंड 4-5 मंथ्स ऑफ शूट, हिज एनर्जी लेवल्स वर थ्रू आउट 200-500% एवरी डे। I think he used to barely sleep for some 4 hours a day. And this was the unique quality about Ashram, that everyone on set for those 5 months, from obviously the director, the ADs, actors, the crew at large, even the spot boys, everyone used to be happy completely all through. And jabki bahut hi intense shoot tha ye. And I learned so much from him, as I said, plus the amazing thing is that whenever I see Prakash sir, I'm always happy. Like unko dekhte se hi main ekdam khil utti thi, and I used to completely start smiling and laughing because he's so fun to work with. He's constantly cracking jokes, making light of the situation, and very accommodating, and he would make everyone on set feel very comfortable.
Plus, I learned a lot from him in terms of building a character, how to look at nuances without really complicating anything. And web series में हम देखें तो Bobby Deol जी हैं and जितना उन्हें एक जिस तरह से ढोंगी बाबा दिखाया गया है लेकिन मैंने सुना है कि real life में वो ऐसे नहीं है. बहुत simple है. कैसा रहा उनके तो Bobby sir के साथ मेरा एक भी scene नहीं था. I in fact met him for the first time during our success party, which is like a small get together we kept after the launch and because it had done so well. And that's when I first met him. Very down to earth person and मैं हरदम सुनती थी बिकॉज जब भी Bobby sir होते थे और काफ़ी सारी कास्ट होती थी वो हरदम साथ में थ्रू आउट चिल करते थे. मतलब हर दिन उनका एक वो कार्यक्रम होता ही था साथ में बैठ के चिल करने का. आई यूज़ टू हियर दो स्टोरीज. बट इट्स सच एन अमेजिंग कास्ट एंड Bobby sir इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, सिंपल, ह्यूमरस एंड आई थिंक लाइक अ गुड सोल. आई थिंक दैट्स वाई दिस कैरेक्टर इज़ वर्क्ड सो वेल फॉर हिम बिकॉज द कैरेक्टर इज नेगेटिव बट हिम बींग a very pious soul works so beautifully for it and I think he's done a fab job. A very like unusual casting, you know, and it has worked wonders. So yeah, and the rest of the cast is also very interesting. Matlab ek se ek acche unda you know actors hain. Aur jab main unse sab aate the, I think half of the actors I met again on the day of you know the success party. मैंने ज़्यादातर सीन्स करे थे दर्शन के साथ और विक्रम के साथ और मे बी कभी राजीव था और साथ में कनुप्रिया थी. बट मोस्टली दीज 4-5 कैरेक्टर्स एंड तुषार, आदिति, त्रिधा एंड मैनी अदर्स आई मेट प्राइमेरली. चंदन ऑल्सो, चंदन आई नो फ्रॉम बिफोर बट आई मेट हिम मेट ऑल ऑफ देम प्राइमेरली ऑन दैट सक्सेस पार्टी एंड देन वी हैड जूम कॉल्स एंड जस्ट यू नो टॉक्स वंस इन अ वाइल. Such a chilled out cast and everybody is at the same page. There was so much love in the room, so much appreciation and just harmony. And 8-9 characters mein jo equal characters hai almost unme ye is tarah ki harmony hona na bahut ek bahut alag baat hai. Doesn't happen but there was so much harmony and love and simplicity and just pure passion of working together and creating something in that one room at that time. I just felt very proud of being a part of this kind of a series. Aur ek cheez Anupriya ji jo mujhe bhi nahi pata aapse jana chahiye shooting ke time pe ji, I don't know us kab ye shoot kab hua ye to mujhe nahi pata. Ye mujhe pata hai ki Ayodhya mein shooting hui hai lekin shooting ke time pe kya corona is aise hamari society mein tha ya us samay ye actually mostly shoot hui thi between November 2009 19 to about February 2020. तो करोना हिट करने के मतलब करोना की शायद बातचीत चालू हो गई होगी बट हम लोगों को उसके बारे में कुछ इतना आभास नहीं था. एंड उसके पहले ही बस हमारा सारा शूट ख़त्म हुआ था. थोड़ा सा पैचवर्क हुआ है इन दिनों, लाइक मे बी 3-4 दिन का पैचवर्क वंस इन अ वाइल सिंस जून टू नाउ, बट बहुत कम. और वो भी सर ने बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में शूट किया तो काफ़ी मतलब कोई रिस्क नहीं थी पर से. ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. जी जी. एंड जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बात की कि हमारी दुनिया में ऐसे पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दिल से अंधविश्वासी होते हैं और ऐसे दिल से तुरंत आंख बंद करके वो किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं. ऐसे लोगों जिसके ऊपर ये फिल्म है, सीरीज है, ऐसे लोगों के लिए अनुप्रिया क्या कहेंगी जो ऐसे वो ही है ना कि आपकी आस्था एक कमज़ोरी नहीं बन सकती. वो उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एज एन इंडिविजुअल. आस्था होना एक बात है लेकिन आप अपना खुद का सोच समझ वो सब त्याग दें आस्था के पीछे, दैट डजंट मेक सेंस टू मी. एंड आई हैव सीन इट इन माई ओन फैमिली. लाइक आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली एंड वहाँ बहुत नॉर्मल माना जाता है कि कोई साधु या बाबा हो, आपके गुरु हो जिनको आप बहुत मानते हो और पूरी श्रद्धा के साथ आप उनको फॉलो करते हो. मतलब कि शादियाँ या इस तरह के बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो आपकी तरफ से ले सकते हैं और आप मानते हैं क्योंकि आपके गुरु ने कहा है, विच इज़ ओके. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बींग अवेयर, यू नो. सही गलत की पहचान तो नहीं छोड़ सकते आप. अगर आपके गुरु आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं या आपका आपको गलत चीज़ करने को बोल रहे हैं या यू नो ऐसी कोई चीज़ जो और किसी के लिए या आपके आपके लिए हानिकारक हो, तो उतना तो समझ में आना ही चाहिए. और अगर
जहाँ कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है कि आपकी जो जो गुरु या जो बाबा होते हैं जिनको आप मानते हैं कई लोग, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें हो रही होती हैं आसपास, क्योंकि ऐसे वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ कोई ना कोई तो अफवाहें होती हैं, लेकिन हम उनको अफवाह मान लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर कोई बात हो रही तो उसके पीछे कुछ सच्चाई भी हो सकती है, और एक अवेयर होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन को ही सारी शक्ति दे रहे हैं, वो हैं तो एक ह्यूमन बीइंग ना, उनको आपने फुल पावर दे दी इतने सारे लोगों की लाइफ की, तो वो फितरत बदलते हुए टाइम नहीं लगता, विच इज़ वेरी ह्यूमन। तो अपनी इंडिविजुअलिटी रखना बहुत ज़रूरी है वाइल बींग स्पिरिचुअल, यू नो स्पिरिचुअलिटी आपको एक अच्छा आदमी बनाए, लोगों के बारे में सोचने पे यू नो आपको मजबूर करे, या फिर अवेयर बनाए, कंपैशनेट बनाए, वो ज़रूरी है। खाली एक अंधविश्वास में आप किसी एक इंसान को फॉलो करो, दैट डजंट मेक सेंस। जो लोग अनुप्रिया जी, जो लोग इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो चले जाते हैं, लाइक जैसे अनुरीता की हम बात करें, जो वो झाड़ू पोछा लगाती है, उन्हें वहाँ से सारी सारी चीजें उन्हें पता है, उन्हें वहाँ से निकलना है। अदिति की बात करें, जो अभी तो वो बहुत बिलीव करे, हो सकता है पार्ट टू में हमने हमें देखने को मिले, तो जो लोगों को पता चल जाता है कि अरे यहाँ से तो अब हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए कुछ, क्योंकि आपने ये सीरीज की इसलिए ये सवाल मैंने पूछा, वो हमारी सीरीज में शायद निकल कर आएगा। आई थिंक द ओनली वे अगेन इज बिकॉज, एक तो वहाँ तक पहुँचने से पहले कोशिश करनी चाहिए, एज आई सेड कि उतनी आप पावर किसी को दे ही नहीं कि उनका इतना बड़ा नेक्सस बन जाए कि उसको ख़त्म करना मुश्किल हो या उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो। एट द सेम पॉइंट इन टाइम द ओनली वे इज क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। आज एक आश्रम भी इसीलिए बनाई गई है कि लोगों को ये बात समझ में आए, जो लोग इस एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ क्रिएटिंग चेंज और सोशल अवेयरनेस, एंड दैट्स आई रिस्पेक्ट प्रकाश सर सो मच, क्योंकि वो हरदम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चलते हैं। तो आश्रम का बनाने का मुद्दा ही ये है कि जो लोग उस तरह के इन्वायरमेंट हैं या उनके जान पहचान वाले उस तरह के इन्वायरमेंट हैं, वो थोड़े कॉन्शियस हों कि ये प्रैक्टिसेस होती हैं, और अगर उनके आसपास हो रही हैं तो शायद उनको बिलीफ ज़्यादा हो या उससे निकलने के एक इंस्पिरेशन मिले। देर आर ओनली कपल ऑफ वेज, वन इज़ यूनिटी, अगर जो सारे लोग हैं, जो भक्त हैं, वो साथ में मिल जाएं, सही को सही समझें, गलत को गलत समझें, और फिर एक दूसरे का साथ दे के उस पावर को ओवरटर्न करें, लीगल सिस्टम वो बाहर निकले, हमारे पॉलिटिशियंस जो सबका एक नेक्सस जो बन जाता है, अगर वो जब टूट के सही दिशा में जाने की कोशिश करेगा, तभी लोगों का भला हो सकेगा। एंड पर्सनली मैं अगर आपकी बात करूँ, जिस तरह से आप बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, हमने आपकी ढेरों सारी सीरीज देख रहे हैं, हम इन दिनों आश्रम देख ही रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस हमने देखा, असुर देखा जी, और भी कई सारी हैं, और ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर का जो किरदार है, आप ऐसा मानती हैं कि आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है? सलमान खान की फिल्मों में हमने देखा आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, यहाँ हम देख रहे हैं आप एक डॉक्टर हैं जो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर का किरदार सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। आई थिंक क्योंकि मैंने क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर प्ले किया है, फाइनल कॉल में आई एम एन एयर होस्टेस, वॉर में आई एम एन एजेंट, पद्मावत में आई एम रानी, सो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आई डोंट फील दैट डॉक्टर का किरदार बहुत बैठता है। आई पिक अप एनीथिंग दैट एक्साइट्स मी, यू नो एज अ रोल, और रोल की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आश्रम में मेरे किरदार की मुझे खासियत ये लगती थी कि इवन दो शी इज़ अगेन अ बोल्ड कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, हु इज़ सराउंडेड इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस, और काफ़ी सारा हलचल है क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द नेक्सस एंड यू नो अनकवर द ट्रूथ, देर इज़ अ सेंस ऑफ स्प्राइटीनेस इन हर कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में एक इम्पल्सिवनेस है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन है, ज़्यादा ओपिनिएटेड है, तो वो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि दोनों चीज़ों को साथ में रख के मुझे चलना था। तो जहाँ भी ये थोड़े लेड कैरेक्टर्स होते हैं और जहाँ एक डुअलिटी होती है कैरेक्टर में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एंड जैसा कि हमने आपकी बात की, बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, फिल्में भी हिट पे हिट दे रहे हैं, सीरीज भी हिट पे हिट दे रहे हैं, असुर मैं खाली नहीं दे रही हूँ, पूरी टीम है जो दे रही है। तो आप ऐसा मानते हैं कि ये जो ऐसा टाइम चल रहा है आपका बेस्ट
टाइम चल रहा है आपकी सारी फिल्में और सीरीज हिट हो रही है मुझे दैट या दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर एंड आई होप ये चलता रहे यस आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट कि जो भी मैंने मेजर काम किया है इधर में वो सब अपने चैनल्स के लिए वो मूवीज़ बहुत यू नो दे हैव बीन वेरी 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 सक्सेसफुल एंड दोज वेब सीरीज हैव ऑल्सो बीन लाइक फ्लैगशिप शोज फॉर द वेरियस चैनल्स बी एट असुर बी एट क्रिमिनल जस्टिस और आश्रम और इवन फाइनल कॉल डिड वेरी वेल फॉर Z5 सो सीक्रेट गेम्स सो या दैट इज़ डेफिनेटली देयर बट आई फील ब्लेस्ड कि मुझे उससे ज़्यादा खास बात यह है कि तो ऑडियंसेस प्यार दे रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं वी आर वॉट वी आर बिकॉज ऑफ दैम एंड कॉन्सेप्ट पसंद कर रहे हैं तो आई जस्ट फील कि हाँ मैं सही लोगों के साथ जुड़ रही हूँ सही कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ और इसके ज़रिए मुझे बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स और यू नो क्रू के साथ काम करने का मौका मिला है विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एंड हम देखा कि सीजन 1 तो आ चुका है जी लास्ट एपिसोड में पार्ट 2 की बातें हो रही जी कुछ एक आई थिंक शूटिंग शायद डन हो चुकी है या कुछ सो बेसिकली हमारा सीजन 1 शूट हुआ था ये और उसके दो पार्ट्स हुए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट था तो दे वॉन्टेड टू ब्रेक इट अप सो अभी हमारा पार्ट 1 आया है सीजन 1 का अब पार्ट 2 आना बाकी है सीजन 1 का सीजन 2 थोड़े दिन बाद शूट होगा मुझे कई बार लोगों ने रोका है और पूछा है कि कब आ रहा है देयर हैज बीन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स सो आई डोंट नो फॉर श्योर बट आई थिंक एक दो महीने में तो आ जाना चाहिए आई थिंक सो आपको कितना बेसब्री से इंतजार है जैसा कि आपको काफी ज्यादा मैं रोका है कि कब तक आ रही है ये तो मैं उससे ज्यादा खुद भी एज एन ऑडियंस भी देखना चाहती हूँ बिकॉज एज आई सेड ना इतने सारे ट्रैक्स हैं स्टोरी पता है लेकिन फिर भी आपको एक देखने का वो तो होता है ना इंटरेस्टिंग क्यूरोसिटी कि कैसे निकल कर आया है तो एज एन ऑडियंस आश्रम इज़ वन ऑफ दो सीरीज जो मैं खुद भी दो बार कंज्यूम कर सकती हूँ यू नो आई हैव सीन इट ट्वाइस द इंटायर सीरीज आई एम रियली वेटिंग टू सी द रेस्ट ऑफ इट पैन आउट एंड आश्रम के अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पिछले 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है हमने सुना है कि आप पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं बहुत ही कुछ क्रिएटिविटी कर रही तो थोड़ा सा बताइए कि लॉकडाउन के दौरान कैसे कि आपने ये सब और क्या नई नई एक्टिविटी सीखी है अनुप्रिया जी ने इस लॉकडाउन में तो पहले पेंटिंग की बात करना हाँ श्योर पेंटिंग एक्चुअली एज अ चाइल्ड मैं पेंट और स्केच करती थी बट बहुत टाइम हो गया था मुझे स्केचिंग और पेंटिंग छोड़े हुए लाइक नहीं चालू किया था एंड समहाउ यू नो ये भी लगने लग जाता है ना कि शायद आप भूल गए हो अब शायद हाथों में वो चीज़ नहीं है कैसे करोगे सो आई वॉजंट इवन गिविंग इट अ शॉट लेकिन मैंने लॉकडाउन से पहले एक क्लास करी थी विच वॉज टू डू विथ यू नो वेयर दे टीच स्टूडेंट्स टू पेंट इन कपल ऑफ आवर्स तो आपने जो बाहर मेरी पेंटिंग देखी है वो उससे वहाँ की है कि मैं उस क्लास में करी थी वेयर अ लॉट ऑफ आस पेंटेड दैट पेंटिंग द सेम सीनरी एंड वी ऑल ऑलमोस्ट गॉट इट राइट सो इट्स क्वाइट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंडली नाउ इन द लॉकडाउन आई टुक एन इंटरेस्ट टू अगेन स्टार्ट पेंटिंग एंड सो पेंटिंग आई हैव जस्ट रियली स्टार्टेड अगेन आई वॉज स्केचिंग अ लॉट ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने कुछ कुछ अपने यू नो स्केचेस शेयर भी किए हैं इंस्टाग्राम पे एंड दैट इज़ वेरी ऑफकोर्स इट्स क्वाइट क्रिएटिव बट इट ऑल्सो इज एक्सट्रीमली स्ट्रेस यू नो इट्स अ ह्यूज स्ट्रेस बस्टर and it kind of makes me calm and composed and feel really good from inside so I think I mostly do it for that I don't know about it but main definitely kuch to karti hu aur abhi bhi kar sakti hu I think ye dono cheeze saath mein ki ja sakti hain bilkul so aur kaisa raha aapka lockdown kyunki bahut sare celebrity 6 month ke anupriya ji ne kya kar diya मैंने अपना काफ़ी सारा काम ख़त्म किया बट लाइक मैंने मेरा बिज़नेस का मेरे फादर के बिज़नेस का बहुत सारा काम पेंडिंग था जो मैंने काफ़ी साल पहले छोड़ दिया था एंड आई हैड टू कम्प्लीट इट और कभी भी एक साथ इतना टाइम नहीं मिल रहा था तो आई फिनिश्ड आई थिंक माई फर्स्ट 2 months वेंट बिहाइंड अ कंप्यूटर स्क्रीन फ्रॉम मॉर्निंग टेन ओ क्लॉक टू अप टिल इवनिंग 9 लिटरली आई फिनिश्ड दैट देन आई स्टार्टेड टू रिलैक्स एंड यू नो हैव अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ऑल्सो I started practicing a bit of discipline, which was really nice. सवेरे उठ के थोड़ा time spend करना अपने साथ थोड़ा music सुनना then writing I started doing again, like journaling more so, breathing and you know doing some actor riyas and stuff like that. And of course workout. तो वो सब किया काफ़ी सारा content देखा OTT पे
कुछ किताबें पढ़ी. आई मीन करने को इतना कुछ है कि टाइम बहुत आसानी से कट जाता है. तो बिजनेस वूमेन भी सुनना पसंद करती है अनुप्रिया जी, हम ऐसा माने? पहले पहले नॉट नाउ, मे बी लेटर. आई एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आई डू वॉन्ट टू ओपन अप एन एंटरप्राइज विच प्रॉबेबली वुड इन्वॉल्व द लोकल आर्टिसंस ऑफ अ प्लेस. That's like a small scale thing that I wanted to start, but maybe sometime later. Mm-hmm. So, इसके बाद 2021 में और कौन-कौन से upcoming project आपके रहेंगे जो आप ऐसे धमाका करने? वो तो मुझे नहीं पता, hopefully. So, एक तो आश्रम 2 आने वाली है, then असुर 2 की बातें चल रही हैं. There is a project that's going to start somewhere in March again. It's a web show which I can't really talk about right now. There are one or two projects which are going on floor right now, but again I can't talk about them because it's like not allowed to really speak about them. But ek do cheeze aur hain jo abhi chalu ho rahi hain. I just hope everything goes as per plan and we start shooting. That's what I hope. I hope ki jo bhi aayega wo logo ko bahut pasand aayega. Right. And in dinon hum kyunki aapne Salman Khan ji ke sath mein kaam kiya hai, isliye main aapse puchna chahunga ki in dinon like aise Big Boss jo मैंने अभी तक तो फॉलो नहीं किया. लास्ट ईयर मैंने काफ़ी कुछ फॉलो किया था, लाइक थोड़ा बहुत. आई थिंक जनवरी के वक्त उस वक्त एयर हो रहा था, तो उस वक्त मैं शूट कर रही थी भोपाल में. एंड मेनी टाइम्स दैट आफ्टर कमिंग बैक एट नाइट मैं हाफ एन आवर तक देखती थी. मैं थोड़ा सा ग्लूड ऑन हो गई थी. So yeah, this time I haven't started following it, but probably I will, because Salman sir is definitely very interesting in it, and I think most of us watch it to watch him as well, you know, his antics and his camaraderie with all the contestants and how he handles them and how he gives them love. So yeah, I think I will watch it again for him. आप इस शो में, बिग बॉस के शो में कभी जाने की इच्छा रखती या कभी जताई आपने कि जाना चाहिए नहीं? नहीं, मुझे डर लगता है. Because I don't think I can survive. Huh? वहाँ पर के माहौल से, fighting से, या? Yeah, मतलब I don't think I'm not very good at politics. I'm not very good at you know, in like in really being in that kind of an environment. तो हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि I'm suited for it. जी. तो सलमान खान जी जिस तरह से handle करते हैं सारे contestants. जी. What can I say? He's a superstar, and I think he's a very, very intelligent person. And he's someone who's very aware of his stardom. At the same point in time, bears a lot of responsibility for it. He knows ki wo kya kab bol rahe hain. And wo maine unko kabhi bhi, jo bhi maine Big Boss hai, kabhi bhi waise bhi unko jab dekha tha, wo kabhi bhi galat baat को प्रमोट नहीं करते हैं या कभी भी किसी गलत बात का साइड. बिग बॉस जैसे स्पेस में जिसको हैंडल करना इतना मुश्किल है, सही गलत आप हर वक्त डिसाइड कर रहे होते हो पार्टिसिपेंट्स और सबके थ्रू. बट इफ़ हिज इवन इफ ही हैज़ समबडी ही रियली लाइक्स ऑन द शो, आई हैव नेवर सीन हिम टेक द रॉन्ग साइड एवर. एंड ही डील्स विद देम विद अ लॉट ऑफ केयर वाइल बीइंग वेरी स्ट्रेट. सो उन एक बहुत अलग कला है उनमें. And what I feel is that he very responsibly projects everything to the Big Boss audience also. Though it is such a controversial show, I've never seen him get into controversy, quite interestingly, you know, like of any sort. So, wo bahut acche se ek apna or you know, humorously bhi, kafi mazaak kya tarike se bhi hote hue, bahut ek elegantly wo manage karte hain har cheez ko. Which is something that only a you know, very intelligent person and a star like him can do. आपका ऐसी कोई favorite personality है जिसे आप चाहेंगे कि ये जाए Big Boss के अंदर, मैं इन्हें देखूं, मैं इन्हें follow करूं कि ये क्या करते हैं वहाँ जाकर, ऐसी ऐसा कोई अनुप्रिया जी का? I mean, I have many favorite personalities, but I've never imagined them inside Big Boss, to be honest. Like I've never thought of it that way. I'm very like I would really want to know more about how a Naseer sir spends his day or a Shabana ma'am spends their day, but that would be their intimate space. You know, Big Boss is not that space jahan 10 logon ke saath hain. Then maybe probably like-minded people will have to go to Big Boss with them, and then their camaraderie, like maza tab aayega ki agar ho sakta hai agar in sare
यू नो लेजेंड्स को आप एक साथ रखें एक जगह थोड़े दिन, और उनमें क्या बातें होती हैं, कैसे वो क्राफ्ट के बारे में, अपने बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो बातें सुनने में शायद बहुत मज़ा. लाइक आई थिंक दैट कैन बी अ ग्रेट कॉन्सेप्ट इफ दे अग्री, कि जस्ट टू गेट लाइक माइंडेड पीपल एंड यू नो एंड आर्टिस्ट लाइक देम टुगेदर इन वन स्पेस एंड वॉच देम फॉर अ व्हाइल. एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये जो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सिनारियो है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के नाम ड्रग्स में आ रहे हैं, सुशांत की जस्टिस की बातें हम कर रहे हैं लेकिन अभी तक जस्टिस मिल नहीं पा रहा है, और उनके जस्टिस के नाम पर कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, कैसे देखती है ये जो प्रेजेंट टाइम का सिनारियो है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का? वेल आई जस्ट फील कि ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो सही और गलत को समझें. एक तो एक जुडिशरी है, एक लीगल सिस्टम है, वो काम कर रही हूँ, उनको अपना काम करने का मौका दें. खाली नॉइज़ क्रिएट करके जो मेन पर्पस है वो डिफीट होने वाला है, उससे सच कभी बाहर नहीं आएगा, उससे किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा. And I think the only learning that we can have out of this incident is that mental health is a serious problem. People go into depression. We are living in very stressful times, not just because of the pandemic, especially now because of the pandemic also. And in the pandemic, I had imagined that people would realize that how important it is to be loving towards one another or to be compassionate. Life is so fickle. We all came to a standstill for 6 months. हमने सबने सब कुछ सबका बंद हो गया, पूरी दुनिया एक साथ बंद हो गई. वो अपने में ही 2020 में एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था कि ऐसा हो सकता है. तो आई हैड इमेजिन एंड आई थिंक मेनी ऑफ अस हैड इमेजिन दैट पीपल विल कम आउट डिफरेंटली फ्रॉम दिस. बट एक तो ये भी हो सकता है कि आई थिंक इतना एक यू नो मेलिंकॉलिक स्पेस रहा है, इतना एक टुमल्टुअस स्पेस रहा है कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी एजिटेटेड है उसमें से, और फिर इस तरह की नेगेटिविटी इज़ ओनली मेकिंग इट वर्स. आई जस्ट फील देर इज सो मच नेगेटिविटी एंड अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट राइट नाउ विच नीड्स टू गेट क्लेंज्ड, एंड दैट यू कैन ओनली डू व्हेन यू थिंक कामली एंड लेट पीपल डू देयर जॉब, सपोर्ट द राइट पीपल. जस्ट बिफोर सेइंग एनीथिंग अग्रेसिवली लुक एट द होल सिचुएशन, लुक एट वेयर अ पर्सन इज कम फ्रॉम, what the person has gone through, what are they, how are they really contributing to life. Or to, agar hum Bollywood ki baat karein, to Bollywood mein bahut kaam hota hai, bahut mehnat se log kaam karte hain, khali actors nahi ek film banate ya ek web series banate, jaise maine kaha bahut log saath mein milke ek content create karte hain, सालों, मतलब आई थिंक एटलीस्ट महीने साल लग जाते हैं एक 4 घंटे का या 5 घंटे का कंटेंट क्रिएट करने में या 2 घंटे की एक फिल्म क्रिएट करने में. उतने 100 से ऊपर लोगों की मेहनत लगती है, और ज़्यादातर ये सब लोग बाहर से आए हैं और छोटे छोटे सपने लेकर आके साथ में काम कर रहे हैं. तो उसको आप रिडिक्यूल इस तरह, जो इतना बड़ा बॉलीवुड को अटैक या टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, आई थिंक दैट इज़ रियली रॉन्ग. And I totally stand that there is a lot of good, passionate work that happens in Bollywood, and it is an industry which is helping so many people with their livelihoods and helping them achieve their dreams. There is a lot of good here. So I don't think that we have any right to, you know, it's not right for us to belittle that. And all those people who have worked so hard to be where they are, to belittle their journey. Everyone has worked very hard to come wherever they are and have struggled equally. This is the time to, if we are talking about mental health, then we really should be giving each other more love and support, rather than driving them into depression. If we've learned anything from whatever has happened in the past couple of months, pandemic, then all, you know, all these other things that happened, and how we lost someone very, you know, talented and someone we all loved so much as an audience, then you need to understand there should be a learning from that, and that should be only to give each other a chance to not hurt someone or not push someone to a space, anyone for that matter, where they might consider taking such a step, or they might get into a space where they can't reach out to anyone and they are so mentally you know down. Hum to wahi kar rahe hain abhi, to mujhe ab wo mudda hi nahi samajh mein aa raha ki kis baat pe baat ho rahi hai, kaise log react kar rahe hain. सबसे ज़्यादा तो जो अभी रेप्स हुए हैं, दैट
कम्प्लीटली शॉक्ड मी एंड पुट मी इन अ स्पेस. और जिस तरह से उनको उनके बारे में बात हो रही है, जिस तरह से उनके बारे में चर्चा की जा रही है, जैसे जो उनके साथ हुआ आफ्टर यू नो द इंसिडेंट्स हैपेंड, हाउ दोज पीपल सफर्ड. एंड कास्टिज्म इज़ एन इशू इन आर कंट्री, यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दैट. एंड रेप इज़ रेप. द वे अ वुमन इज़ वायलेटेड फॉर एनी रीज़न, फॉर लस्ट और फॉर प्रूविंग अ पॉइंट और फॉर सम एनिमोसिटी बिटवीन टू फैमिलीज, बी इट फ्रॉम एनी कास्ट इज़ रॉन्ग. A proper procedure has to be followed, and we need to, you know, ask for that justice and talk about it, and we can't shy away from that. So yeah, I mean the current scenario is very disheartening, mm-hmm. and we can all just hope that it will become better. जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सही कही. जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्हें आपकी अपकमिंग सीरीज, फिल्में, जी आश्रम पार्ट टू इंतजार रहता है, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, श्योर. यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड अप्रिसिएशन, फॉर बीइंग द सपोर्ट. एंड मेरा जो भी काम आप लोग ने पसंद किया उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ. एंड यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, अपने आस पास फ्रेंड्स का, फैमिली का ध्यान रखें. स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बी देयर फॉर ईच अदर. एंड थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, सही मुद्दों पे बातें उठाएं, चर्चा करें, एंड जो भी बहुत नॉइज़ है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करें. थैंक यू.